मैं परंजय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ मुंबई से महेश व्यास जी हैं। महेश व्यास CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है। कोरोना वायरस का महामारी के बाद जो आर्थिक संकट आए हैं महेश जी, 7 अप्रैल CMIE ने लिखा कि ये लॉकडाउन के बाद आपका उम्मीद है कि भारतवर्ष में बेरोजगारी का स्तर ऐसा जगह पहुंच गया जो शायद कभी नहीं पहुंचा, और आपने आंकड़ा दिया 23.4%। मतलब ये मार्च महीना जब शुरू हुई ये 8.4% थे, 8.4%। ये बढ़ के आप देख रहे 23.4%, यानी कि डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद जो 43 महीने के बाद सबसे ऊंचे स्तर है। और आपने ये भी कहा, और ये जरा आप हमें सरल भाषा में समझाइए कि ये आप लोग 2016 से ये आंकड़ा एक साथ कर रहे हैं, ये क्या भारतवर्ष में इतिहास में सबसे उच्च स्तर में है? ये जो बेरोजगारी की दर है आज, जो 23.4 या 24% तक पहुंच चुकी है अभी, वो मेरे ख्याल से सबसे ऊंचे स्तर पर है। इतनी बेरोजगारी मेरे हिसाब से पहले कभी नहीं हुई। हमने ये काम शुरू किया 2016 में, उसके पहले NSSO का डेटा है और वो बहुत पीछे तक जाता है, और उसको यदि हम देखें तो बेरोजगारी की दर उनके हिसाब से तो करीब 2 या 3% ही रहा करता था। जब भारतवर्ष काफी पिछड़ा हुआ था इंडिपेंडेंस के ठीक बाद में, जब हमारा पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम था, तब लोगों में ये क्षमता ही नहीं थी कि वो बेरोजगार रहें, क्योंकि यदि वो बेरोजगार रहेंगे तो कुछ खा नहीं पाएंगे। तो जैसा भी जो भी मिलता था करने के लिए वो करके अपना गुजारा निकाल लेते थे। अब बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ गया है, और अब लोग इस विचार में रहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या कोई अच्छा कारोबार मिल जाए तब ही वो कारोबार लेंगे, वरना हम बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो पिछले मेरे ख्याल से 15-20 सालों में ये अवश्य हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ी है, और ये बेरोजगारी 10% और 15% के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाई है, लेकिन अभी ये 8% से लेकर के 23% तक पहुंच गई है या 24% तक पहुंच गई है। ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, लेकिन इसमें और बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो लोगों की दिक्कतों को और ज्यादा सही ढंग से बताती है। आपने जो कहा कि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जिन लोग अभी श्रम जो अपने श्रम और जो अपने जीविका के लिए रोजगार के लिए करने के लिए काम करने के लिए तैयार है मगर नहीं कर पा रहे, तो आपने कहा कि ये भारतवर्ष का इतिहास में सबसे नीचे एक जगह गिर गया 39%, 39%। इसका मतलब क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसका महत्व भारत में बेरोजगारी दर से कई गुना ज्यादा है। मतलब कि यदि हम बेरोजगारी की दर देखते हैं तो एक प्रकार की पीड़ा देखते हैं कि लोगों को नौकरी की इच्छा है लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कितने लोग काम करने को तैयार हैं, कितने लोग सामने आकर के कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए या हमें कारोबार करना है या हमें किसी भी प्रकार के श्रम में कुछ योगदान करना है। तो ये इसकी मात्रा पूरे पॉपुलेशन के साथ की जाती है कि जितने लोग हैं भारतवर्ष में 15 साल और उसके ऊपर जो लोग काम कर सकते हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं प्रतिशत जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम ढूंढने के लिए निकले हैं बाहर। ये विश्व में इसका औसत नंबर करीब 66% होता है, 66% के आसपास का होता है। इंडिया में ये नंबर हमेशा 50% के आसपास ही रहा है, ये बहुत कम है। हमने पाया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद में इसका स्तर काफी गिर गया और तकरीबन 42-43% तक पहुंच गया था। 42-43 औसत है। मानिए कि बहुत ज्यादा गिर जाता है ये आंकड़ा, मतलब कि इतने लोग पूरी जनसंख्या में से श्रम बाजार के बाहर निकल आते हैं, मतलब कि ना तो वो नौकरी काम करने के लिए ढूंढ रहे हैं, ना उनके पास नौकरी है। ये जो प्रतिशत है जो विश्व में 66% है, हमारे यहाँ 50% था, उतर करके 42% पे आ गया। अब एक महीने में या एक महीने के कम समय में वो उतर करके सीधे 39% तक आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग बाजार, श्रम बाजार में से चले गए हैं, उनको उम्मीद ही नहीं है कि उनको कोई नौकरी मिलेगी। तो यदि हम उनसे पूछें कि क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कौन सी नौकरी, कोई नौकरी नहीं है, हम कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। भारतवर्ष के हर 10 नागरिक जो 17 साल के उम्र से ज्यादा है, जो आज काम करने के लिए तैयार है, हर 10 नागरिक में 4 नागरिक को काम नहीं मिल रहा है। ये मैं कह सकता हूँ 39%, उसको आप 40% बना दीजिए। नहीं, 4-10 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनमें से काफी लोगों को नौकरी मिल गई है। इन 4 में से अभी 23% यानी कि 4 में से 1 व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है, केवल 3 को मिली है। 10 में से पहले 5 काम ढूंढते थे, अब केवल 4 ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस 1 को लगता है कि नौकरी तो मिलने से गई, कोई नौकरी है ही नहीं। तो जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वो कम हो गए हैं, और जो ढूंढ रहे हैं उनमें से भी 1 को नहीं मिल रही है, केवल 3 को मिल रही है। तो ये समस्या है कि 10 में से केवल 4 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनमें से भी सिर्फ 3 को मिल रही है, 1 को नहीं मिल रही। ये हमारे देश में जो ये आंकड़ा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, ये हर 5 साल में एक बार भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने अलग अलग जगह से सैंपल करके, समीक्षा करके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO को आंकड़ा लेके ये इकट्ठा करते हैं। मगर हमारे देश में, बहुत सारे देश में हर महीने ऐसे समीक्षा होता है, हर 3 महीना, हर तिमाही में ऐसा समीक्षा होता है, हर साल में ऐसा समीक्षा होता है, मगर हमारे देश का भारत सरकार नहीं करते हैं। और आपका CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो एक निजी संस्था है, आप लोग 2016 से लगभग 1,17,000 लोगों को समीक्षा कर रहे हैं। इस बार कि लॉकडाउन के लिए शायद आप लोग इतने लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाया, समीक्षा नहीं कर पाया, मगर आप लोग ये कर रहे हैं। और आप लोग जब आंकड़ा निकलते हैं तो सरकार नाराज हो जाता है, वो आप किस तरह से बना रहे हैं, आप समीक्षा का तरीका उसको पसंद नहीं आता है। और आपने पहले भी बताया, आप लगता है कि ये जानबूझ के सरकार नहीं कर रहे हैं, कि बहुत सारे देशों में ऐसे जो आंकड़ा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो रेगुलरली आना चाहिए। हमारे देश में 5 साल के बाद आ रहे, क्यों? इसका कोई राजनीतिक कारण होगा? सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मेरा काम है, या मैंने ये काम या ये बीड़ा उठाया है कि देश में बेरोजगारी की दर की संख्याएं निकलती नहीं है, निकलना जरूरी है। ये हमारे लिए, हमारे देश को समझने के लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी है। और चूंकि सरकार नहीं निकाल पाती है, या इन्होंने जो उनका जो प्रयास था लेबर ब्यूरो के जरिए वो भी बंद कर दिया, तो हमने सोचा कि चलो हम ही करके दिखा देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब सरकार को ये पसंद आए ना पसंद आए, उनकी इस पर कोई टिप्पणियां होगी, वो सब बातें जो हैं इन सवालों का जवाब उन्हीं को देना चाहिए। मैं इसमें उलझना जरूरी नहीं समझता। मेरे ख्याल से मैं जो आंकड़े बना रहा हूं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और सबके पास अवेलेबल है। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड लोग जांच लें कि सही है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस आंकड़ों को आखिरकार यूज कर ही लेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है या मुझे ये विश्वास है कि सरकार में लोग इन आंकड़ों को देख रहे हैं, इन आंकड़ों को सही ढंग से परख रहे हैं और शायद इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। हो सकता है, और ये मेरा केवल निजी मानना है, हो सकता है कि इसकी जो नैरेटिव है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है या देश में बहुत समस्याएं हैं, वो शायद सरकार को किसी रूप में इस प्रकार से मीडिया में इसका उछलना शायद वो पसंद नहीं। उनको शायद नंबर से प्रॉब्लम कम होगा, उनको प्रॉब्लम नैरेटिव से है कि नैरेटिव से एक नेगेटिविटी बढ़ जाती है और वो नेगेटिविटी देश के लिए अच्छी नहीं है। शायद ये कारण हो सकता है कि थोड़ी नोकझोंक पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि आपका जो सर्वे है, जो समीक्षा है, आप एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के साथ करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका जो भी आंकड़ा आप सबको सामने पेश करते हैं, इसका विश्वसनीयता के ऊपर सरकार प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे कि इस तरीका से बनाइए, उस तरीका से बनी है। सुरजीत भल्ला जी ने, जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार थे एक समय, आज वो विदेश चले गए, कोई ना कोई कारण दिखाते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मगर आप क्या ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, ये जो समीक्षा आप दे रहे हैं, एकदम पारदर्शिता के साथ, और ये लोगों को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, यही आप कहेंगे? जो आपने बात कही कि पहले कुछ लोगों ने इसकी टीका की थी, वो अब पुरानी बात हो चुकी है। उसको लेकर के दोबारा उलझना जरूरी नहीं है। उसके बाद वो बात खत्म हो जाने के बाद CMI के जो नंबर्स हैं वो काफी लोग उसकी प्रशंसा होती है, अब लोग उसको मानते हैं, समझते हैं। तो सरकार ने खुद ने अपना सर्वे जारी रखना चाहिए और CMI कोई सरकार को रिप्लेस नहीं कर सकती। सरकार अपनी जगह पर है और उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। CMI जो कर रही है उस दरमियान जब तक सरकार नहीं बनाती, मेरे ख्याल से ये काफी यूजफुल है। 2019 में, जनवरी 2019 में, ये जो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, और वो सरकार बाद में वो एक अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड को लीक आउट किया, और उसमें ये लिखा है कि 2017-18 जो वित्तीय साल है, यूजुअल स्टेटस में जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का जो जिस स्तर में है, 6.1% है, जो 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर में है। ये सरकार का आंकड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, ये भी अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये जो मर्द है इनके लिए ज्यादा है, जो शहरी इलाका में है उनके लिए ज्यादा है और ग्रामीण इलाका में कम है। तो ये रिपोर्ट जब लीक आउट किया, इसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की 2 सदस्य PC मोहनन जी और J.V. मीनाक्षी जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एक तरह से उनका जो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया। और फिर बाद में सरकार बोला नहीं, ये रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, आप सेब के साथ संतरा को तुलना मत कीजिए। ये सब चुनाव का पहले और चुनाव के बाद, जब वही सरकार ने वो जो आंकड़ा दिया, घूम फिर के वहीं पे हम पहुंच गए हैं। घूम फिर के वहीं पे हम देखा कि वही जो बेरोजगारी का स्तर, वही 6.1% में पहुंच गए हैं, जो 45 साल में सबसे ऊंचा स्तर में है। तो इस विषय के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो डेटा रिलीज हो गया और इलेक्शंस के बाद हुआ, जरूर जरा देर से हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन आंकड़ों से ये तो पता चल गया कि बेरोजगारी की दर काफी हद तक बढ़ गई है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट घट गई है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट और भी घट गई है। ये सारी बातें हम कह रहे थे पहले भी, इस डेटा के लीक होने के पहले भी सीएमआई यही बातें कह रही थी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट गया है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत घट गया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ऊपर गया है। तो 19-20 का फर्क तो होगा ही, दो बड़े बड़े सर्वेज हैं, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मोटा मोटा जो एनएसएस ने बताया वही हम भी बता रहे थे उसी वक्त 17-18 में। अगर हम कंपेयर करें तो हम दोनों के नंबर्स लगभग वही है, लेकिन उसके बाद पीएलएफएस ने जो कहा था कि वो क्वार्टरली अर्बन सर्वे करेंगे वो बंद हो गया। कम से कम वो आंकड़े फिर बाद में रेगुलरली आना बंद हो गए, और जो एनुअल सर्वे था उसका अभी तक कुछ कोई न्यूज नहीं है क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल से एनएसएस का जो सर्वे था वो सही था। अब ये कहना कि सेब और संतरा की तुलना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत विशेषज्ञों ने कहा है कि ये मोटा मोटा कंपैरेबल है, इसमें बाल की खाल ना निकालें। और जो बेसिक बात है, जो मुद्दे की बात है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट घट गया है और जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ गई है, इन बातों पर ध्यान दें और पॉलिसीज निकालें जिससे ये प्रॉब्लम्स हल हो सकें। ये जो स्टैटिस्टिकल छोटी मोटी चीजों को लेकर के बहस लंबी चौड़ी चलती है वो एक प्रकार से वेस्ट ऑफ टाइम है। ये बेहतर होगा कि हम सरकारी सर्वेज भी जारी रखें और सीएमआई के जो सर्वेज हैं उनको सीरियसली लें और पॉलिसी सही करें। बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपने कहा वेस्ट ऑफ टाइम, यह कि सिर्फ समय नष्ट नहीं, मैं समझता हूँ कभी कभी लोगों को गुमराह करने के लिए भी ऐसा चर्चा चलते रहते हैं हमारे अर्थशास्त्री के बीच। महेश जी देखिए, जो बिग पिक्चर, जो एक बड़ा छवि अगर देखेंगे, हर 2 साल में भारतवर्ष में कम से कम 1,60,00,000 नए व्यक्ति आते हैं रोजगार के लिए। आप देख रहे हैं ये लॉकडाउन के बाद किस तरह से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, जो प्रवासी मजदूर जो जहां पे वो काम कर रहे थे शहर में, कुछ राज्य में, अपने पूर्व भारत में बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी जगह में इन्होंने वापस चले गए। महाराष्ट्र छोड़ के, गुजरात छोड़ के, पंजाब छोड़ के, हरियाणा छोड़ के। तो इन लोग अपने गांव से क्यों आए थे? रोजगार के लिए आए थे। एक तरह से जिस तरह से हम पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से जो इंटरनल माइग्रेशन देखा, जो प्रवासी मजदूर का जो यातायात, और आपको मालूम होगा, आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, बांद्रा में क्या, और मैं समझता हूं जब ट्रेन शुरू होगा, बस शुरू होगा, और भी लोग चले जाएंगे, और भी लोग का पलायन होगा। तो ये जो हमारे देश में लेबर सरप्लस, लेबर शॉर्ट्स, ये जो इंटरनल माइग्रेशन जो हो रहा है, इसका तो एक बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। इंटरनल माइग्रेशन की जो अहमियत है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो उभर के आ रही है, और मेरे ख्याल से इंटरनल माइग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह में नौकरी वहीं पे मिल जाए जहां पर लोग मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर्स होंगे, अर्बन सेंटर्स होंगे, जहां पर नौकरियां ज्यादा होंगी या जहां पर नौकरियां अच्छी किस्म की होंगी। तो ये वाजिब है कि जहां पर नौकरियां है वहां पर लोग जाएंगे और वहीं पर काम करेंगे, और ये इंटरनल माइग्रेशन कहलाएगा। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जब रोजगारी कम हो जाती है तब पहली मार माइग्रेंट्स को पड़ती है। पहली मार पड़ती है कि ये बाहर के लोगों को वापस भेज दो, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, हम बाहर के लोगों को क्यों ला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इंटरनल माइग्रेशन या ग्लोबल माइग्रेशन से ही ग्रोथ बनता है। ये ग्रोथ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि अगर एक अर्बन सेंटर बने जैसे कि बॉम्बे है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और वहां पर उतने लोग नहीं होंगे। तो जरूरी है कि लोग बाहर से अंदर आए और वहां पर काम करें, और ये देश भर में होता है और विश्व भर में होता है। इंडिया का ग्रोथ जो हुआ है 1990s के बाद में, आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है वो एक्सटर्नल माइग्रेशन के कारण हुआ है। हमारे आईटी इंजीनियर्स यूएस जाकर के काफी तरक्की की उन्होंने। उसके पहले 70s में हमने मिडिल ईस्ट में काफी तरक्की की, केरला के लोग काफी वहां पर गए और तरक्की हुई। तो भारत देश ने ये देखा है कि जब माइग्रेशन होता है तो हमारी तरक्की होती है। बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों ने देखा है कि जब उनके लोग वेस्टर्न रीजन्स में जाते हैं या सदर्न रीजन्स में जाते हैं, पंजाब हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसी समय जब आपका फसल काटने का समय आया है। बिल्कुल। तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और इस बात को अहमियत देनी चाहिए कि इंटरनल माइग्रेशन हमारे ग्रोथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हमने इसको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है। हमने हमेशा इन माइग्रेंट्स को बाहरी माना है और इनको हमारे ग्रोथ का इंटरनल इंटीग्रेटेड हिस्सा नहीं माना है। तो पहली बात तो ये है कि हमें इन लोगों को इंटीग्रेटेड व्यू में देखना चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए और इनको लोअर क्लास नहीं मानना चाहिए। इनकी हालत काफी बुरी है। आप चाइना का किस्सा देखिए, जब उन्होंने माइग्रेंट्स को लाया था ईस्टर्न सेक्टर में ग्रोथ के लिए, चाइना ने उनके लिए अच्छे खासे इंतजाम किए थे, उनके लिए घरों का अच्छा खासा इंतजाम किया था। हमारे यहाँ ये लोग मोस्टली जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, इनकी हालत बहुत बुरी है। और आज जब कोरोना वायरस का ये दहशत फैला हुआ है, तब हम देख रहे हैं कि इनकी हालत कितनी नाजुक है, कितने वल्नरेबल हैं ये लोग, कितने आसानी से ये हेल्थ के मामले में बहुत ही वल्नरेबल हो जाएंगे। और हमें और भी डर लगना चाहिए कि यहाँ से फैल सकता है। तो जो हुआ सो हुआ, इससे अब ये इम्पोर्टेंट बनता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि इससे हम सीख के क्या जाए। हमें ये सीख के जाना चाहिए कि माइग्रेंट लेबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इनको नजरअंदाज करना, इनके बारे में नहीं सोचना एक बहुत गहरी चूक है हमारी। हमने लॉकडाउन करने के पहले इनके बारे में सोचा नहीं, और ये नहीं सोचने के कारण इनको जो दिक्कत मिली है वो मिली है सो मिली है, लेकिन इनके बारे में अब से अगर हम सोचना शुरू करें तो मेरे ख्याल से ग्रोथ में ज्यादा आसानी आएगी। और जो पिछड़े इलाके हैं, बिहार में हुआ या उड़ीसा में हुआ, झारखंड में हुआ या कहीं और हुआ, उनकी तरक्की में और ज्यादा आसानी आएगी। मेरा आखिरी सवाल जो है, CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी तो बारीकी से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर नजर रखते हैं। अब देश का अर्थव्यवस्था का हालत कितना खराब है, सब लोग को मालूम है खराब है। अभी भी सरकार कह रहे हैं कि हमारे कुछ रफ्तार से हमारे GDP या सकल घरेलू उत्पाद कुछ बढ़ेंगे ये आने वाले वित्तीय साल में, और बहुत सारे अलग अलग अर्थशास्त्री, अलग अलग एजेंसीज, निजी एजेंसी कह रहे हैं नहीं, कोई कह रहे शून्य, कोई कह रहे नहीं, एक गिरावट आने वाले है, क्योंकि पूरा विश्व का जो अर्थव्यवस्था है, ये जो आर्थिक संकट है, ये कोरोना वायरस के बाद ये एक विश्वव्यापी आर्थिक संकट है। IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भी संस्थाएं कह रहे हैं। तो आपका क्या उम्मीद है, ये जो वित्तीय साल हमने शुरू किया 2020-21 में, भारतवर्ष का जो अर्थव्यवस्था के बारे में आप संक्षिप्त में 2-4 बात कीजिए, और यही मेरा आखिरी सवाल आपसे। 2021 फिस्कल ईयर बहुत ही समस्याओं से भरा रहेगा। तो GDP ग्रोथ तो होने से रही, हमारा अनुमान है कि GDP में तो गिरावट आएगी, मतलब के श्रिंकेज होगा। 0% ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन -1% हो सकता है, और अब लगता है कि उससे भी ज्यादा कम हो सकता है। तो ये बहुत सीरियस मामला है। अब ये केवल एक GDP ग्रोथ के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, ये जरूरी है कि हम लोगों को देखें। पर कैपिटा इनकम, और खास करके जो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके पास कम साधन है, जिनके पास सेविंग्स नहीं है, इस लो ग्रोथ का मकसद उन पर क्या होगा? तो केवल ये कहना कि 0% ग्रोथ होगा या जैसे कुछ लोग कहते हैं 1 to 2% ग्रोथ होगा, ये सब तो मेरे ख्याल से बोलने की बातें हैं। हो सकता है -1 नहीं -2% भी हो जाए, लेकिन ये भी एक बोलने की बात है, एक तरीका है कहने का। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोगों की निजी जिंदगी में क्या होगा ये देखना ज्यादा जरूरी है। हमने जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स को सही ढंग से नहीं देखा, जैसे हमने गरीब तबके के लोगों को खाना पहुंचेगा कि नहीं, दवाइयां पहुंचेगी कि नहीं, उसके बारे में सही ढंग से नहीं सोचा। हमारा अटेंशन मोस्टली रहा है टॉप लाइन ग्रोथ पर। पर कैपिटा जीडीपी कितना ग्रो होगा वही देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा देखें ये भी कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारे अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, जो असंतुलन है, ये भी बढ़ गया। हाँ, तो ये जो असंतुलन है, असंतुलन तो रहता है और मुझे असंतुलन से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उस असंतुलन को बहुत ज्यादा बढ़ जाने से। सभी बराबर तो नहीं हो सकते, अंतर तो रहेगा, लेकिन यदि वो अंतर किसी गलत तरीके से बढ़ रहा है या इनइक्वालिटीज एक अनफेयरनेस लेके आ रहा है या कोई सिक्योरिटी नेट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। हर आदमी एकदम अमीर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी को गरीब होना जरूरी नहीं। ये जरूरी है कि कोई गरीब ना रहे, अमीर होने से हमें कोई चिंता नहीं। धन्यवाद महेश जी, आपका समय आपने दिया, कीमती समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शकों के लिए। और आप लोग अभी अभी सुने हैं जो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO महेश व्यास, भारतवर्ष का बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के ऊपर उनकी जो राय है, उनकी जो टिप्पणी है। आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।